हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एस ए बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद हनीफ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में जाकर मुलाकात की है और पीलीभीत विधानसभा से अपना दावा पेश किया है। इस बारे में हमारे संवाददाता मुस्तकीम मंसूरी ने उनसे बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं उनसे बातचीत। हनीफ साहब, ये बताइए, जब आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को अपना आवेदन किया तो क्या जिले से आपको उसकी संस्तुति मिल चुकी थी? ऐसा है भाई, इस जिले के तेज तर्रार, ईमानदार, जुझारू युवा जिलाध्यक्ष माननीय जगदेव सिंह जग्गा जी जब से जिले में कमान संभाली है, तब से बहुत बड़े पैमाने पर जिले में लोगों को जोड़ा है। माननीय जिलाध्यक्ष जी के निर्देश पर ही, उनके सहयोग से मैं जो मैंने अध्यय प्रमाण पत्र लिया है वो जिलाध्यक्ष जी की, माननीय जिलाध्यक्ष जी की आशीर्वाद से ही मुझे मिला है और माननीय जिलाध्यक्ष जी के आशीर्वाद से ही मैं गया हूँ लखनऊ। हनीफ साहब, ये बताइए, जैसे कि कल आप लखनऊ थे और इस तरह की सूचना हमारे वहां के रिपोर्टर्स ने हमको दी है कि पीलीभीत शहर विधानसभा से हनीफ साहब यहां लखनऊ आए थे अखिलेश जी से मुलाकात के लिए, तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस संबंध में कल अखिलेश जी से आपकी मुलाकात थी? जी, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से मिला था। मैं 127 विधानसभा शहर सीट से आवेदन करने के लिए मैं गया था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष मैंने अपना आवेदन पेश किया। आवेदन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के ने मेरा स्वीकार किया और मुझसे कहा था आप क्षेत्र में लगिए, मेहनत कीजिए। हनीफ साहब, ये बताइए, कल जब आप आवेदन प्रस्तुत करने अध्यक्ष जी के पास गए थे तो कौन कौन लोग आपके साथ थे? मेरे साथ पार्टी के वरिष्ठ सीनियर लीडर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बहुत ही नजदीक थे, वो उनके द्वारा मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से भेंट हुई और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलके बहुत अब मैंने अपने में खुशी जाहिर की और मुझे मैं बहुत अस्वस्थ हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलके, और मैं पूरा भरोसा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे आशीर्वाद देंगे और मैं 127 से चुनाव लड़कर जीत कर इंशाल्लाह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करेंगे। हनीफ साहब, ये बताइए, समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी, अखिलेश जी का आशीर्वाद आपको कल प्राप्त हो गया, तो क्या शहर के विकास के लिए कोई आपने योजनाएं तैयार की? ऐसा है भाई, हम लोग जनता के हित के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए बड़े पैमाने पर एक योजना बनाई है और जब वक्त आएगा उस वक्त जनता, जन क्षेत्र की जनता, जन जन तक वो योजनाओं का लाभ मिलेगा। वक्त आने पर उन योजनाओं का मैं घोषणा करूंगा और मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने अन्य इतनी योजना चलाई है जिससे कि आज पूरे प्रदेश की जनता उनके गुणगान गा रही है, गुणगान कर रही है और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत अधिक तूफानी लहर एक समाजवादी पार्टी की आएगी और माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा हनीफ साहब, ये बताइए, जैसे कि संभावनाएं हैं और इस वक्त आपके जनपद के अंदर भाजपा का कब्जा है, तो इसे किस तरह भाजपा से कब्जा मुक्त कराएंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी
कि लोग बहुत झूठ बोलकर सत्ता तक पहुंचे हैं। 5 साल में इस प्रदेश की देश की जनता बहुत परेशान हो चुकी है। इन्होंने इतनी महंगाई की है, इनके जो प्लान, इनने जो योजनाएं बनाई हैं उसमें पब्लिक को बहुत ही पब्लिक का शोषण हो रहा है। बड़े पैमाने पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। पर मध्यम क्लास के वर्ग के लोगों को अपना परिवार चलाने में बहुत परेशानी हो रही है। अब भविष्य में इस प्रदेश के लोग मन बना चुके हैं, आवाम मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव को सत्ता पर भेजेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले